साथियों नमस्कार भाई, लंपी स्किन डिजीज, जी हाँ, जिसने कि पिछले कुछ सालों से हमारी गायों के ऊपर कहर बरपा रहा है बहुत ज़्यादा। ये एक विशेष रोग जो कि वायरल है, यानी एक वायरस से फैलता है जो कि पॉक्स विरिडिया ग्रुप का है, जिसको निथलिंग वायरस भी कहा गया। भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक संक्रामक रोग फैलाता है, और जब भी गायों में ये होता है ना, आप सभी जानते भी हैं, क्योंकि किसी भी एरिया को इसने अछूता नहीं छोड़ा, सभी जगह ये फैला था। लेकिन अब इसका कहर फिर से शुरू हो गया है। अगर आप सचेत नहीं हुए ना, तो मान के चले वही मंजर फिर से आने वाला है। तो क्या किया जाए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, नई जो एडवाइजरी आई है गवर्नमेंट की वो क्या आई है, और किस तरीके से हम अपनी गायों को इस बीमारी से बचा सकते हैं, आज के इस वीडियो में कंप्लीट बातें हम करेंगे। तो देखिए, बात हम करें तो सबसे प्रमुख, चलिए दवाओं की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले ये बता दूं कि लंपी स्किन डिजीज जो है, जो कि एक वायरल बीमारी है, और इसमें स्किन खराब हो जाती है, यानी कि त्वचा पर ढेले ढेले से हो जाते हैं, गांठे गांठे से हो जाती है, तेज बुखार रहता है, पशु की इम्यूनिटी डाउन होती है, और धीरे धीरे करके पशु की मौत भी हो जाती है। जिस पशु की इम्यूनिटी, देखिए मेन बात जो मैंने यहाँ लिखी है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। जिस पशु की, जिस गाय की, ये विशेष तौर से गायों की ही बीमारी है, अभी तक गायों में ही ये कहर बरपा रही है, तो ये जब भी गायों में आएगी उस गाय की मौत पहले होगी जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो सबसे बड़ा काम जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का ही होता है, और जब किसी एरिया में आ जाती है या आने की शंका होती है ना, उस समय मेरे पीछे जो आप दोनों दवाएं देख रहे हैं ना, इनको इस्तेमाल करना पड़ता है घरेलू तौर पर। सबसे बड़ी बात नीम, नीम जो है इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। आप नीम के पत्ते अभी से अपनी गायों को खिलाना शुरू कर दीजिए, नीम के पानी से अपने फार्म की सफाई कीजिए, अपने बाड़े की सफाई कीजिए, सुबह के समय नीम के पानी से आप अपनी गायों को नहलाइए, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी दृष्टि से नीम जो है वो बहुत ही शानदार रहता है। इसके अलावा फिटकरी, जी हाँ, फिटकरी ने भी बहुत अच्छा चमत्कार दिखाया था। तो जब भी डाउट हो ना कि यार ऐसा हो सकता है, तो दिन में एक बार आप फिटकरी से फिटकरी का जो पानी है, यानी एक चम्मच फिटकरी आप एक बाल्टी पानी में डालेंगे, उसको गर्म करेंगे, फिर से ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद उस पानी से आप अपनी गाय को स्नान करवा देंगे सुबह के समय, तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला साबित हुआ था। तो ये जब भी आपको डाउट लगे कि यार मेरे एरिया में आ रही है, या आपके गाय के आपको घंटे घंटे से हल्की सी भी नज़र आए, खाना पीना भी कम हो, उस समय आप ये कर सकते हैं। तो ये काम तो है ही, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना ये हमारा मेन उद्देश्य है। उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप खिला करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो भाई क्या करेंगे उसके लिए, देखिए आप सौंफ से परिचित हैं, आंवला से आप परिचित हैं, साथ में आप नीम गिलोय से परिचित हैं, भाई ये तीनों चीज़ें ऐसी है जो इम्यूनिटी बहुत शानदार तरीके से बढ़ाएगी आपकी गायों की। नीम गिलोय आप सभी जानते हैं, नीम के ऊपर लगने वाली एक बेल है, और इसको आप डंठल और पत्तों सहित उबाल सकते हैं, उबाल करके ठंडा करके और अपनी गायों को पिला सकते हैं काढ़े के रूप में, और साथ में सौंफ और आंवला का पाउडर कर लीजिए, सौंफ का भी पाउडर कर लीजिए, सूखे हुए जो आंवला आता है उनका भी पाउडर कर लीजिए। 25 ग्राम आंवला, 50 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम के आसपास, या जितने भी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा लें, ये आप ज़रूर दीजिए अभी से, जैसे बारिश के मौसम में आने का अंदेशा है, तो इसीलिए आप अभी से ये काम शुरू कर दीजिए। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, पहली बात उनमें बीमारी आएगी नहीं, और दूसरी बात जिन गायों की इम्यूनिटी कम है और उनमें बीमारी बाई दवे आ भी गई है ना, तो बहुत जल्दी ठीक होगी। इसके अलावा बहुत सारी इम्यूनिटी की दवाएं भी प्रचलन में हैं, पिछली बार कई लोगों ने इस्तेमाल किया था और उन दवाओं से भी अच्छा रिजल्ट मिला। तो फाइनली हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, लेकिन आगे का जो काम है ना, आगे दो काम मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अभी से उनके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। जिनमें से जो पहला काम है वो ये देखिए, आप जू छिंचड़ मक्खी मच्छर का खात्मा कीजिए। ये बीमारी रिसर्च में पाया गया कि ये बीमारी जो है वो फैलने का सबसे बड़ा जो रीज़न है, भाई संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से फैलेगी, लेकिन एक दूसरे से फैलाएगा कौन, फैलाने में सबसे बड़ा जो रोल है वो मक्खी मच्छर जू छिंचड़ का रहा।
मक्खी मच्छरों ने तो आतंक फैला दिया, एक मक्खी किसी संक्रमित हो चुकी गाय पर बैठेगी और वही स्वस्थ गाय पर बैठेगी, तो भाई ये बीमारी स्वस्थ गाय में फैला देगी और इस तरीके से ये बीमारी आगे से आगे फैलती जाती है। तो इसीलिए हमें ये जो वाहक है इस बीमारी का, इसी को ख़त्म कर देना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए जो चिचड़ मक्खी मच्छर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फार्म की सफाई रखें। सबसे बड़ा तो यही है कि सफाई रखें। दूसरा ये है कि अगर कहीं चिचड़ वगैरह लगे हुए हैं तो आप डेल्टा मेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन या अमित्राज कोई सी भी दवा जो है उसका इस्तेमाल करके 1 लीटर पानी में 2 से 5 ml हम डालते हैं और उसका स्प्रे कर देते हैं तो ये सारे समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा मक्खियों के लिए हम फिनाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो अपने फार्म की सफाई के लिए हम लाल दवा का पानी जो है उसका इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये भी आराम से किया जा सकता है। इसके अलावा सफ़ेदा, नीम, सफ़ेदे के सूखे पत्ते, नीम के सूखे पत्ते और कपूर, ये तीनों चीज़ें ऐसी है इनका अगर हल्का धुआं किया जाए ना फार्म पर तो किसी भी सूरत में मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। तो मेनली आप सभी देखो, मक्खी मच्छरों पर हमारे चैनल द्वारा भी लगातार आप लोगों को बताया जाता है कि मक्खी मच्छरों को नाश करने के लिए, भगाने के लिए क्या करें, तो वो तो आपको करना ही करना है। साथ में आप चाहें तो कोई सा भी प्रबंध कीजिए, लेकिन मक्खी मच्छर को दूर जरूर भगाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर नहीं होंगे तो वाहक नहीं मिलेगा तो बीमारी आगे से आगे फैलेगी नहीं, तो ये प्रबंध भी आप पहले से ही कर दीजिए। ये सारे जो काम है वो आपको करने हैं, लेकिन एक विशेष काम जो पीछे रह गया है वो अभी सरकार अभियान चला करके और डोर टू डोर करवा रही है, तो उसमें भी आप सरकार के अधिकारी कर्मचारियों का साथ दें और अपनी गायों को टीकाकरण जरूर करवाएं, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है और इस प्रोग्राम में निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाइए, जो भी हेल्थ सेंटर है वहाँ जाइए और वहाँ जा करके और टीकाकरण अभियान जो है इसमें आप भाग लीजिए और अपनी गायों का टीकाकरण करवाइए। अगर आप वैक्सीन करवा लेते हैं ना तो ये सबसे बड़ा बचाव का तरीका है। एक्चुअली क्या है कि जब भी बीमारी आ जाती है उसके बाद हम बहुत ज़्यादा भागते हैं, अरे सर बीमारी आ गई है कैसे दूर करेंगे, अब टीके लगाओ। बाद में जो टीके लगाए जाते हैं वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं, इसीलिए आप प्रयास करें कि बीमारी अभी कहीं आई नहीं है, आने का अंदेशा है और काफ़ी जगह देखी भी जा रही है। ऐसा मैं देख रहा हूँ पिछले तीन साल से ये बीमारी कहीं पर भी समाप्त नहीं हुई है, आगे से आगे चल रही है, कहीं ना कहीं जीवित है, हर वक्त हमारे पास कैसे जाते हैं। और ये जो आप अभी शुरुआत में आपने जो बछड़ा देखा था, बछड़ा बछड़ी, इसका केस भी अभी का है और ये अभी चल रहा है, अभी बीमार चल रहा है। तो भाई बीमारी अभी भी चल रही है और कभी भी आपके एरिया में दस्तक दे सकती है। जो ही मानसून आया, बारिश आई और बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में आप सभी को बताया है कि ये ज़्यादा फैलती है। और भाई अगर ऐसा हुआ, क्योंकि इन मौसम में मक्खी मच्छर भी ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए पहले से तैयार रहिए और ये जो काम है ये कर लीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी गायों के साथ ना हो।